इन्हें ठीक कर दीजिए। We will try our level best, Mr. Shyam. Excuse me. Thank you, doctor. Sir, thank you so much. आपने उनके तो पता नहीं क्या होता सर। मैं ये सब अकेले नहीं मैनेज कर पाती। मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी भी कुछ भी करके ये आसान उतार पाऊंगी। आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी लेकिन ये कर्ज कभी भी अदा नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया सर। जिस निस्वार्थ भाव से आपने मेरे परिवार की मदद की है ना सर, कभी नहीं भरपाई कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच सभी। प्लीज वो जो पीछे बड़े कैनिस्टर से ना, सबको लेकर वहां पर जाओ और वहां पर जाकर छुप जाओ। ये कुछ भी कर सकता है। तुम लोग वहां पे सेफ रहोगे। जाओ जल्दी जाओ। सभी के परिवार की मौत पर ईशान का दुखी होना समझ आता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ है जो ईशान किसी को नहीं बता रहा है। कोई बात है जो ईशान ने अपने अंदर ही दबा के रखी है। सभी, दरअसल मैं कल से तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात यह है कि ईशान, ईशान तीन दिन से घर नहीं आया, मुझे मिला नहीं। तुझे पता है ना, तू मेरी नजर से दूर होता है तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। तुझे मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है क्या? I'm sorry अक्का सर, आप तो जानती हैं सभी की फैमिली के साथ क्या हुआ। ऐसी हालत में मैं उसको कैसे छोड़ के आ सकता था? सभी, हमें पता चला क्या हुआ। बस इतना ही कहूंगी, पापा तेरे परिवार वालों की आत्मा को शांति दे। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। I'm really sorry. सभी, खुद को अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ है बेटा। और किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक कह देना, सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। शान सर ने ऐसे ही बहुत मदद की हमारी। ताई के इलाज का पूरा खर्चा भी उठा रहे। आपने भी ये कहा, काफी है सर। थैंक यू सो मच। सभी बड़ा, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी चीज की, तो तू मुझे फोन कर, मुझसे बात कर। लेकिन तूने मुझे कुछ नहीं बताया, सब ईशान को बताया। देख बड़ा, वो क्या है ना, ईशान बहुत बिजी रहता है और अभी तो वो पहले से भी ज्यादा बिजी होने वाला है। इतनी सारी तैयारियां करनी है और तू तो जानती है कि ईशान की। चौहान, मेरे साथ आइए प्लीज। कुछ डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन चाहिए। मैं भी है। अक्का साहब, आप सभी से क्या कह रही थी? माहौल तो देखिए, आपको पता है सभी की फैमिली खत्म हो चुकी है और आप उसके सामने हमारी शादी के बारे में बात कर रही थी।